अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद पाजी खालदा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मजे की रेसिपी लेके आई हूँ, कलेजी, जो कि बकरा ईद पे हर एक को पकानी होती है और इंजॉय करना होता है। तो ये बहुत ही आसान और लॉट्स ऑफ टिप्स के साथ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप किस तरीके से जल्द, सॉफ्ट और मजेदार कलेजी बनाना सीख सकते हैं इस रेसिपी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, मटन कलेजी ईद स्पेशल। चूल्हे को ऑन करते हैं, चूल्हा ऑन करके फिर 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं। इसको गर्म होने तक छोड़ देंगे, फिर अनियन फ्राई होने के लिए हम डालते हैं इसके बाद। ये बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाएगी। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो फिर इसमें प्याज थोड़ा सा हो जाए जिंजर, और फिर मसाले और टमाटर डालते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, तो हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन होने के फिर हम इसके साथ जिंजर शामिल करेंगे और साथ ही मसाले और टमाटर शामिल कर देंगे। हल्का हल्का सॉफ्ट हो रहा है प्याज हमारा, वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मसाला तैयार हो गया, इसके लिए सूखा धनिया, जीरा और मोटी क्रश जो लाल मिर्च थी उसको मैंने ज़रा थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए प्याज तो फिर मैं साथ ही अदरक शामिल कर दूंगी। अदरक डाल के फिर मसाले डालते हैं, टमाटर डालते हैं और फिर कलेजी को शामिल करते हैं। ये बिल्कुल फटाफट बनने वाली रेसिपी है। जितना पानी डाल डाल के कलेजी को आप पकाएंगे उतनी वो ज़्यादा सख्त होती चली जाएगी। कलेजी को जितना कम पकाएंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। ये मटन की कलेजी है, इस बेशक आप बीफ की बनाएं, ऊंट की बनाएं, किसी भी चीज़ की बनाएं, बहुत कम पकाएं। और मोस्टली इसका लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि इसका खून निकलता रहता है। खून निकलने की एक वजह ये होती है कि पहले, सबसे पहले आप बड़ा पीस जब कलेजी का होता है उसको वॉश कर लें, उसके बाद उसको काटें। अगर आपके पास कपड़े किए हुए कलेजी आई है तो फिर उसका ये खून अगर नहीं वो आपसे मैनेज हो रहा तो आप क्या करें कि एक बर्तन में पानी और थोड़ा सा दूध डाल के उसकी कच्ची लस्सी की तरह बना लें, उसमें कलेजी को डुबो दें, 2-4 मिनट के बाद निकालेंगे फिर वो उसका खून नहीं निकलेगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं इसका खून नहीं ख़त्म होता, इसकी बदबू नहीं जाती। तो पकाने का ये तरीका अगर सख्त बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी भी नमक इसको पहले से शामिल नहीं करें। नमक बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे शामिल करें कलेजी में। अगर पहले शामिल कर देंगे वो कलेजी कच्ची रह जाएगी। जो ही आपने सर्व करनी उससे पहले आपने नमक शामिल कर देना है। अभी मैं सारी चीज़ें डालूंगी लेकिन नमक नहीं डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें, अब देखें थोड़ा सा ब्राउन हो गया हमारा प्याज, तो इसके साथ ही मैं अदरक डाल के जिंजर का पेस्ट तो इसको भून लूंगी। और जब भी ऑयल या घी या बटर में डायरेक्ट आप कलेजी डाल के भूनेंगे वो कलेजी सख्त हो जाएगी। पहले नीचे हल्का सा प्याज या टमाटर को करें या तो फिर ऊपर कलेजी को डालें, तो या अगर स्ट्रेट वे हल्की सी कच्ची पक्की बना के कलेजी को खाना है तो बस थोड़ा सा डालते ही थोड़े 2-4 मिनट पका के उसमें ना पानी डालें ना ही ज़्यादा देर कुक करें। जितना जितना ज़्यादा इसको आप पकाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये सख्त होती जाएगी। अब इसके साथ लहसुन अदरक की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा और भूनूंगी तो फिर इसके साथ हल्का सा मैं पानी शामिल कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज वगैरह मसाले भी डाल दूँगी, तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट और पकाऊँगी इसको। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी मैंने डाल दिया, 2 टेबल स्पून और डाल के इसको सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को।
अदरक और प्याज ये मैं भून रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। साथ ही अभी एक दो मिनट चला कर फिर मैं मसाले शामिल करूँगी, जैसे मिर्ची, हल्दी और ये धनिया, जीरा सब का शामिल कर दूँगी। पानी इसलिए पहले डाला था कि कई लोग समझते हैं कि प्याज और अदरक के साथ अभी हमने मसाले डालने हैं तो वो जलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए एक दो टेबल स्पून पानी को पहले डाल लें फिर ऊपर से ये मसाले डालें। अब ये मसालों को थोड़ा सा भून लें एक आध मिनट। थोड़ा सा भूनने के बाद आप टमाटर शामिल करें। कभी भी मसाले घी या ऑयल में स्ट्रेट अवे ना डालें क्योंकि ऐसे मसाले जल जाते हैं। अब इसके साथ हम टमाटर शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से दो तीन मिनट भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं, गल जाएं, मसाला यकजान हो जाए। तो फिर इसके साथ जब देखेंगे कि थोड़ा सा अगर टमाटर सख्त है तो एक दो टेबल स्पून पानी डाल के मसाले को भून लेंगे, तो फिर मसाला ठीक पकता है तो हम इसमें तलेजी शामिल करते हैं। ये थोड़ा सा भून जाए टमाटर तो फिर मैं धनिया और जीरा भी शामिल करती हूँ। अब इसमें क्रश चिली, धनिया और जो जीरा हमने मोटा मोटा पीसा था वो भी शामिल कर देते हैं। तो साथ ही इसके मैंने ये कसूरी मेथी ये हाफ अ टेबल स्पून ये भी क्रश करके मैं इसमें डाल देती हूँ, इससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है। तो भी मेथी भी डाल दी है, मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो फिर हम इसमें शामिल करते हैं ग्रेवी को। जब ऑयल छोड़ देगा मसाला बिल्कुल, तो मसाला बिल्कुल जब जान हो जाएगा, टमाटर वगैरह अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम कलेजी शामिल करेंगे। लेकिन नमक हमने अभी तक शामिल नहीं किया, नमक बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे, क्योंकि फिर कलेजी सख्त हो जाती है। इसको भून लेते हैं, इतना मसाला अच्छा भुना हुआ होगा उतनी मज़ेदार बनेगी। मसाला कच्चा नहीं होना चाहिए और सही तरह गल के यकजान हो जाए टमाटर, प्याज, हर चीज़। तो फिर उसके बाद हम कलेजी डाल के तीन चार मिनट पकाएंगे तो बस फिर हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप कुर्बानी की कलेजी इसी तरीके से बनाएँगे, खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो अब इसमें हम अपनी कलेजी शामिल करेंगे। देखें अच्छी तरह से मसाला कितना उसने सारा ऑयल छोड़ दिया और मसाला हमारा बिल्कुल टमाटर वगैरह गल चुके हैं। तो अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे जो कि तीन चार घंटे से मसाला लहसुन और हरी मिर्च लगा के मैंने रखी हुई थी। अब इसको तीन चार मिनट के लिए पकाऊँगी तो फिर हम उतार लेंगे, कोई पानी वानी नहीं डालेंगे, इसी में ही कलेजी को भून के उतार लेंगे। अभी भी हमने नमक नहीं डाला हुआ, पानी ज्यादा और डालने से कलेजी के बाद पानी डालें या नमक डाल दें तो कलेजी सख्त हो जाती है। इस तरीके से आपकी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। कलेजी हमारी तैयार है, अब इसमें साल्ट शामिल करेंगे सर्विंग से पहले। तो ये साल्ट हमने शामिल कर दिया सर्विंग से पहले, इसको एक दो मिनट पका लेंगे कि नमक अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। मिलते हैं दो मिनट के बाद, इसको डिश आउट करते हैं कि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये ना कि नमक एक ही जगह आप डालें, अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लें और फिर इसको डिश आउट करते हैं। करने के बाद दो तीन मिनट और मैंने पका लिया इसको, तो अब चूल्हे को बंद करते हैं तो डिश आउट करते हैं। कलेजी हमारी मज़ेदार तैयार है खाने के लिए।
है, मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। इसको धनिया से गार्निश कर दूंगी। मजेदार सी हमारी कलेजी तैयार है, तो अब इसको हम सर्व करते हैं। तो मजेदार सी हमारी मटन कलेजी तैयार है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और सारा कैसे पकाना है तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ईद पे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ। मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल सख्त है ही नहीं, क्योंकि इसमें पानी डालने से ये सख्त हो जाती है, या नमक बिगनिंग में आप डाल दें तो कलेजी सख्त हो जाती है। तो ये इसके टिप्स हैं। सो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होगी। तो ईद की खुशियां मनाएं, बांटें और खुश रहें, और दुआ में हम सबको याद रखें, और स्टे सेफ, ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।